अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। मौलाना अरशद मदनी साहब के नाम से 22 तारीख के मुतालिक एक पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। उस पोस्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा धमाल मचा हुआ है। लोग उस पोस्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। कोई उसे सही कह रहा है, कोई उसे गलत साबित करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, आज 21 तारीख है और कल 22 तारीख है, जिसकी वजह से उस पोस्ट को और ज़्यादा शेयर किया जा रहा है। और जैसे ही आप व्हाट्सएप और फेसबुक खोलेंगे, आपको वह पोस्ट नज़र आ जाएगा जो मौलाना अरशद मदनी साहब के नाम से है। दोस्तों, आप लोग वीडियो के आखिर तक बने रहे, इंशाल्लाह अभी हम आप हजरात को मौलाना अरशद मदनी साहब की कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाएंगे। इसलिए आप लोगों से मुअद्दबाना मुशफिकाना दरख्वास्त है कि आप लोग वीडियो को मुकम्मल देखें, वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। तो आइए पूरी बातों को जान लेते हैं। एक बात मैं आप लोगों को मजीद कह देना चाहता हूँ कि अगर मैं सिर्फ मौलाना अरशद मदनी साहब की बातों को आप हजरात के नजर करूंगा तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बातों को समझ नहीं पाएंगे, फिर कमेंट करेंगे। तो आइए सबसे पहले वायरल पोस्ट को देख लेते हैं, फिर हम मौलाना अरशद मदनी साहब की बातों को सुनेंगे इंशाल्लाह। जरूरी ऐलान, 22 तारीख तक आपके फोन पर कोई भी मिस कॉल आए अनजान नंबर से तो दोबारा आप वापस से फोन न करें। तमाम मुसलमानों से मौलाना अरशद मदनी की तरफ से ये एक अपील यानी ऐलान गौर से सुने और पूरे हिंदुस्तान में पहुंचा दें। 22 तारीख के दिन CAA पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, इसलिए BJP समर्थन के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। मुतवज्जे हो, अगर आपके पास इन नंबरात में से किसी भी नंबर से फ़ोन आए या आपको कोई इन नंबरात पर फ़ोन करने को कहे तो आप बिल्कुल भी ना करें, वरना आप अपनी सभी बैंक राशि खो देंगे और NRC में शामिल हो जाएंगे। बराए करम आगे सेंड करें। उम्मीद है कि आप लोग मौलाना अरशद मदनी साहब के नाम से जो पोस्ट वायरल किया जा रहा है, जो तहरीरें वायरल की जा रही है, शेयर की जा रही है, उसको आप समाअत फरमा लिए होंगे, सुन लिए होंगे। अब आइए इस तहरीर के मुतालिक, इस पोस्ट के मुतालिक मौलाना अरशद मदनी साहब ने क्या बात कही है, आइए मौलाना अरशद मदनी साहब की जुबानी सुन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल कय्यूम शाकिर बोल रहा हूं, मैं निजामाबाद तेलंगाना। फरमाइए। हजरत, दो दिन से व्हाट्सएप पे एक मैसेज जो है वो वायरल हो रहा था आपके नाम से कि 22 तारीख तक किसी फोन के मिस कॉल का जवाब ना दें बोल के। क्या 22 तारीख को? 22 तारीख के दिन CAA पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला है, इसलिए BJP समर्थन के लिए सबूत इकट्ठा कर रही है। जिन जिन मुसलमान भाइयों का नंबर आपके फोन में है या व्हाट्सएप पर मौजूद हो तो उनको ये मैसेज जरूर फॉरवर्ड करें। मेहरबानी करके कोई भी इन नंबरों से कॉल करें या इन नंबर पर मिस कॉल करने को कहे तो बिल्कुल ना करें, वरना आप जी ये सब झूठ है, मुझे तो मालूम भी नहीं। मैं जी वो असल में तमाम मुसलमानों से मौलाना अरशद मदनी की तरफ से एक अपील बोल के चल रहा है। झूठ है सब, बिल्कुल सबसे पहले मुझे तो पता भी नहीं क्या चीज है। जी लोग ऐसे ही चला दे रहे हैं, किसी के दिल में खुदा का खौफ नहीं है, झूठ को झूठ ही नहीं समझती दुनिया। उम्मीद है कि आप लोग मौलाना अरशद मदनी साहब की बातों को सुन लिए होंगे, समाअत फरमा लिए होंगे। दोस्तों, ये पोस्ट जिसे आप स्क्रीन पर अपनी आंखों से देख रहे हैं, जो आग की तरह सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है, सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा है, ये सरासर फेक है, झूठ है, गलत है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने खुद वजाहत फरमा दी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल अरमुगान हक पर न्यू है, नए हैं, तो हमारे चैनल अरमुगान हक को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तब तक आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में।